नमस्कार। पेशे से एक डॉक्टर हूँ। नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सवाल मैं देश के हर एक डॉक्टर की तरफ से पूछना चाहती हूँ। आज सुबह से काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के ऐसे ट्वीट्स, मीम्स, रिक्वेस्ट रही हैं कि कोविड पेशेंट के पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिसकी फुटेज उनके रिलेटिव्स को परसिस्टेंटली दिखाई जानी चाहिए, ताकि उनको इस बात का संतोष रहे कि उनके पेशेंट को ठीक से देखा जा रहा है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि हेल्थ केयर आज के आज तो डेवलप हुआ नहीं है, इससे पहले भी आप एडमिट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरीज की जाती है, तो ऑपरेशन थिएटर की सीसीटीवी फुटेज आज तक किसी ने डिमांड नहीं की है। तो सडनली जब सबको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स्ड है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी है, पेशेंट्स कोलैप्स होते हैं आंखों के सामने, मरते हुए पेशेंट को बचाने के लिए रास्ता नहीं होता है डॉक्टर्स के पास, जब हम लोग खुद इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उसी वक्त सबको डाउट दिखाने का मौका मिल गया है सीसीटीवी फुटेज। आप प्रिसाइसली क्या देखना चाहते हैं उस सीसीटीवी फुटेज पे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिला या नहीं? ऑक्सीजन उसके कितने लीटर्स दिए जा रहे हैं, एनआरपीएम, वेंटिलेटर, बाईपैप, इन सब के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं? इंट्यूबेशन होते हुए कभी देखा है? कौन से इंजेक्शंस देने हैं, कौन से नहीं, क्या गाइडलाइंस है? इस सब का नॉलेज अगर आपके पास ही है तो पेशेंट को घर पे रखिए, आप ही ट्रीटमेंट कर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर घर पे अरेंज कर लीजिए, और जिस पे विश्वास है उसी से इलाज करवाइए। क्योंकि इस वक्त देश का हर डॉक्टर चाहते हुए ना चाहते हुए जितना कर सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा है, खाना पीना छोड़कर, सोना छोड़कर, अपने रूटीन सब्जेक्ट्स जो वो प्रैक्टिस करते हैं उन सब के बारे में पढ़ना लिखना सीखना छोड़कर सिर्फ कोविड पेशेंट के पीछे सारा का सारा हेल्थ केयर सिस्टम डेडिकेट किया जा चुका है। मैं कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करती हूँ, इतने सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कोरोना के डर से हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे बन पड़े वो हम कर पाए। इस सब के बीच में इतना सारा काम, इतना डेडिकेशन, अगर उसकी तारीफ नहीं की जा सकती तो कम से कम उसे समझने की कोशिश, कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इतना सारा शक, इतना सारा अविश्वास लेकर आप उम्मीद करते हैं कि सब आपकी कही हुई बातें सब सुन लें, चुपचाप अपना काम करते रहें और एक शब्द भी किसी के मुंह से ना निकले। मुझे पता है ये आउटबर्स्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, पर इट फील्स अनजस्टिफाइड कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ हेल्थ केयर सिस्टम कोशिश कर रहा है कि इस एपिडेमिक को कंट्रोल में लाया जा सके, इतना कुछ करने के बाद भी आपको संतोष नहीं है। इतना शक किसी और पेशेंट पर तो नहीं किया जाता, सिर्फ डॉक्टर्स पर ही क्यों, जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं हॉस्पिटल्स की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इनमें डॉक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट उनका काम नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, उन्हें जितना दिया जा रहा है उसमें वो जितना कर पा रहे हैं हर कोई कर रहा है, और इतने विश्वास की कमी है। तो मेरा एक ही सजेशन है, कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली में एक इंसान अच्छे से पढ़े, नीट दे, डॉक्टर बन जाए, ताकि वो अपनी और अपने परिवार की ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। हर फैमिली में एक डॉक्टर होगा तो इतने प्रॉब्लम्स, इतने डाउट्स की कोई जगह ही नहीं रहेगी, कोई बुनियाद ही नहीं रहेगी। और अगर आप अपने जीवन के 10 साल मेडिकल को नहीं देना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते, इतना पढ़ने के बाद भी मिनिमल वेजेस पर काम नहीं करना चाहते, तो प्लीज चुप रहें, घर पे रहें, मास्क पहनें और विश्वास करना सीखें।